कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के कामेंग नदी के पानी का रंग अचानक से काला हो गया है, जिसके कारण अब तक हजारों मछलियों की मौत हो चुकी है। अब ऐसी आशंकाएं हैं कि कामेंग नदी का जो पानी है वो यूं ही काला नहीं हुआ है, बल्कि ये मेड इन चाइना का एक प्लान हो सकता है। जी हाँ, वो चीन जो दूसरों की जमीन को हड़पता है, अब उसकी मंशा भारत की नदियों में जहर भरना भी हो सकता है। जाँच में ऐसा पाया गया है कि कामेंग नदी में TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व सब्सटेंस की जो मात्रा है वो अधिक पाई गई है, जिसके वजह से कहा जा रहा है कि नदी का जो पानी है वो प्रदूषित हो गया है। अरुणाचल चीन की सीमा के नज़दीक सेप्पा के निवासियों ने नदी में TDS के वृद्धि के लिए चीन को दोषी ठहराया है और ऐसा आरोप लगाया है कि चीन द्वारा निर्माण गतिविधियों के कारण जो पानी का रंग है वो अब काला हो गया है। आपको बता दें कि पानी में अधिक TDS से पानी प्रदूषित हो जाती है और जो पानी के अंदर रहने वाली जीव हैं उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है और वो पानी में सांस नहीं ले पाते हैं। अब इन्हीं कारणों की वजह से कामेंग नदी में बड़ी मात्रा में मछलियां मारी जा रही है। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि कामेंग नदी में जो TDS की मात्रा है वो 6800 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो सामान्य तौर पर 300 से 1200 मिलीग्राम प्रति लीटर ही रहती है। यानी कि अचानक से कामेंग नदी में जो TDS की मात्रा है वो कई गुना भर गई है और ऐसे में आशंका है कि चीन के द्वारा ये सब किया गया हो। पानी में भारी मात्रा में TDS लोगों के सेहत के लिए भी नुकसानदायक होती है, क्योंकि TDS अपने साथ कई जहरीले केमिकल्स को भी लेकर आती है। मगर अब सवाल है कि वो कामेंग नदी जो अक्सर साफ दिखाई देती है, उसमें इतनी भारी मात्रा में अचानक से TDS कैसे बढ़ गई? क्या ये चीन की कोई नई चाल तो नहीं? कहीं चीन कोरोना वायरस फैलाने के बाद आप भारत के नदियों को तो निशाना नहीं बना रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए सेप्पा ईस्ट MLA टापुक टाकू ने सरकार से कहा है कि वो एक कमेटी का गठन करे ताकि इस मामले की जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ सके। और ऐसे में आशंका ये भी है कि चीन के द्वारा जो अवैध निर्माण किया जा रहा है बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, उसके कारण कई जहरीले केमिकल्स इस नदी में मिल रहे हैं और इसी कारण से जो कामेंग नदी के पानी का जो रंग है वो काला पड़ गया है और पानी के भीतर के जो तमाम जीव हैं उनकी मौतें भी हो रही है। और चीन ऐसा करे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से चीन के वुहान के लैब से कोरोना वायरस लीक हुआ ऐसी खबरें हैं, तो ऐसे में चीन अगर ये नापाक हरकत अरुणाचल प्रदेश को लेकर कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। हालांकि सही जांच के बाद ही क्या सही क्या गलत ये सबके सामने आ सकता है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आकर आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने COVID-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप वैक्सीन की डोज लें और भारत को 100% वैक्सीनेट होने में सहायता करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.